और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी, मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, देश के लिए मेडल लाई हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूंगी तो जरूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको जिसने उस पर अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असलियत। और जैसे मैंने कहा, घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे। आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहाँ उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहाँ से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। ये किसानों की धरती है, यहाँ अनार, आलू, जीरा पैदा करते हैं आप। आपसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी की 10 साल सरकार है, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है इसके लिए? नहीं मिलता। जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है, अमूल, बनास डेरी, ये किसने खड़ा किया? आपको याद है, कांग्रेस के जमाने में खड़ा हुआ ये सेक्टर, क्योंकि ये संविधान क्या है और किस तरह से आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये समझना जरूरी है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। सबसे बड़ा अधिकार ये है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को, और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। मतलब सबका एक समान अधिकार है। जितना आपकी वोट में शक्ति है, उतनी शक्ति उनके वोट में है। उनकी वोट में आपसे ज़्यादा शक्ति नहीं है। देश में जितने भी देशवासी हैं, उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको। आरक्षण भी संविधान ने दिए हैं आपको। तो जो आरक्षण का अधिकार है कि किसी समुदाय को या किसी जाति को अगर लगता है कि ठीक ढंग से मौके नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी सालों से उनके साथ अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है, तो संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है। तो ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया है। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमज़ोर किया है।
एक जमाने में, मैं हमेशा ये कहानी बताती हूँ, एक जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते थे, वो आपके गांव आते थे, वो आपके घरों में आते थे, और जब आपके घरों और आपके गांव में आते थे तो आप अपना हक मांगते थे। मैंने खुद अपने पिताजी, अपनी दादी जी के साथ देखा है। मैं यूपी के किसी छोटे से गांव में गई, एकदम पिछड़े ज़िले में, जहां पे मेरा पहुंचना आज के दिन मुश्किल था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था गाड़ी से, एक रास्ते में हेलीकॉप्टर लिया, फिर गाड़ी ली, फिर पहुंची। और जब मैं एक गांव में गई तो एक छोटी सी बुढ़िया ने मुझे बताया, छोटी इसलिए क्योंकि इतनी बुढ़िया थी कि वो ऐसी झुकी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी दादी जी आई थी तो जो खीर मैं आपको खिला रही हूँ ऐसी ही खीर बना के मैंने उनको खिलाया। मैं अपने पिताजी के साथ गांव जाती थी उनके पीछे पीछे, तो अपने ही संसदीय क्षेत्र में जब वो किसी के घर में चले जाते तो अगर कोई सुविधा नहीं मिली होती, या पानी नहीं आ रहा है, या उस ज़माने में वो इंडिया मार्क वन लगता था, वो नल नहीं लगा है, या सड़क नहीं बनी है, तो डांट खाते थे। जनता डांटती थी कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारा नल नहीं लगाया आपने। और लोग कहते थे उनसे कि देखिए वोट हम आपको तब देंगे जब आप सड़क बनाएंगे, जब आप पानी लाएंगे, प्यार तो हम आपको बहुत करते हैं, आओ खाओ चाय पियो, लेकिन वोट तब मिलेगा जब आप हमारा काम करेंगे। ये राजनीति थी एक ज़माने की। और इस राजनीति का आधार किसने डाला? गुजरात के सबसे महान बेटे ने डाला, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सारे नेताओं से अपनी संपत्ति छुड़वाई, सबको ज़मीन पे लाए, सबको घरों में ले गए, गरीबों के की समस्याओं को सुनो, और जो जनता है देश की वो सर्वोपरि है, ये बात गांधी जी ने सिखाई। और गांधी जी ने कहाँ से सीखी ये बात? खुद।